अब हम लोग के पास क्या है ना, अब हम लोग को पढ़ना है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या पढ़ना है? एबनॉर्मल मोलर मास। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। एबनॉर्मल मोलर मासेस, अब एबनॉर्मल मोलर मासेस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो जनरली तब देखा जाता है कि यदि मान लो कोई कंपाउंड टूट गया, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, मान लो KCl है हम लोग के पास, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका यदि हम इसको यदि हम पानी में डिजोल्व करते हैं, इसको यदि हम पानी में डिजोल्व करते हैं, इसका 1 मोल था, तो बाद में हम लोगों को लगा कि 1 मोल यदि दोनों का आता है, तुम यहाँ सोचो 1 मोल यदि हम इसको लिए, अभी पानी में गया और ये टूट गया K+ और Cl- के फॉर्म में, तो 1 मोल इसका भी आ जाएगा और 1 मोल इसका भी आ जाएगा। मतलब कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अब तुम यहाँ पे गौर करने का काम कोशिश करो कि यदि हम इसका 1 मोल डालें लेकिन पानी में जाने के बाद वो 2 मोल बन गया K+ का और Cl- का, अलग अलग आयन्स का, यदि हम अब एक्सपेक्ट करें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, अलग होगा और ज़्यादा होगा। पहले के कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा और क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ही होगा कि नहीं बढ़ा होगा। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? टूटना। डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? टूटना। टूट रहा है वो, सिंपली हम बोल सकते हैं ब्रेक कर रहा है, ब्रेक हो रहा है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि यदि कहीं पर भी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है, ठीक है, तो उसका जो मोलर मास होता है वो हमेशा एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होता है उससे कम होता है। क्या जी बोले हम? ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि यदि, ध्यान देना यहाँ पे हम तुमको क्या बोल रहे हैं, व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयन्स, सॉल्यूट किस में टूटा? आयन्स में टूटा। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है उससे हमेशा कम होने वाला है मोलर मास। क्या होने वाला है? कम होने वाला। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि जब टूटेगा सॉल्यूट पार्टिकल्स आयन्स के फॉर्म में, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो मोलर मास होता है वो हमेशा कम होता है ट्रू वैल्यू से। हमेशा क्या होता है? ट्रू वैल्यू से कम होता है, ठीक। सेम इसी तरह आता है एसोसिएशन। सेम इसी तरह क्या आता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ जाएगा उसमें। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? जुड़ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये तो हम लोग देख लिए कि KCl था, इसको जब हम पानी में डाले तो
तो टूट गया के प्लस में और सी एल माइनस में, जब हम इसको पानी में डाल दिए तब। अब एसोसिएशंस में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, एसोसिएशन का कहने का मतलब है कि जुड़ना। एसोसिएशंस कहने का मतलब क्या है, जुड़ना। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड CH3COOH, यदि हम इसका एपिसिनियम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड, क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड जो होता है CH3COOH, वो अपने आप को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जैसे कि CH3 है हम लोगों के पास, ध्यान देने कोशिश करना है, CH3C OH होगा। सेम इसी तरह यदि हम दूसरा मॉलिक्यूल इसका लेकर आते हैं तो CH3C OOH, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम इसी तरह इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और यहाँ पर डाइमर इसको बोलते हैं हम लोग, डाइमर मतलब दो को मिल गया, दो मर, मर मतलब एक यूनिट होता है, डाई मतलब दो को, दो को मिलकर आपस में एक बन गया, डाइमर बना लिया किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, डाइमर बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब इसके कारण क्या देखने को मिलता है कि यदि किसी जगह डाइमराइजेशन फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग वहाँ पर गौर कर पाएंगे कि जो हम लोग इंक्रीज हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट में, या फिर डिक्रीज कैलकुलेट कर रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट में, वो पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, हम बोले कि दो केस हम लोग देखें, एक देखें डिसोसिएशन और एक देखें एसोसिएशन। तुम देखो एसोसिएशन में क्या हुआ, जुट गया ना आपस में, दो को मॉलिक्यूल्स आपस में जुट गया, तो डिसोसिएशन में क्या हुआ था तुम्हारा, कि एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था कि उसका जो एक्चुअल जो मोलर मास होगा वो कम हो जाएगा ट्रू वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल मास होगा वो ट्रू वैल्यू मतलब जो एगो के कारण होगा, वो एगो के कारण तो होगा नहीं क्योंकि दोनों जुड़ चुका है आपस में, एसोसिएट हो चुका है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण हम लोग ये देख पाएंगे यहाँ पर कि जो मोलर मास है वो या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे मोलर मास या तो इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सच अ मोलर मास That is either lower or higher than the expected or normal value, जो expected और normal value है उससे या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, ड्यू टू डिसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एसोसिएशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास।
हम इसको नॉर्मल ना बोल के बोल देते हैं एबनॉर्मल, क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि मोलर मास जो ओरिजिनल है उससे या तो कम हो चुका है या फिर अधिक हो चुका है। इसका मेन कारण है डाइमर बनाना या फिर ब्रेक होना, या तो टूटना या फिर जुड़ना, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान देते हुए क्या हुआ, इसी चीज को ध्यान देते हुए ये देखा गया कि हम लोग जो वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिन्हें बोला गया वेंट हॉफ फैक्टर, जो एक्चुअली में कैलकुलेट करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। क्या कैलकुलेट करने का काम करने वाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो आई इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पर, आई जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, किसके द्वारा किया गया, वेंट हॉफ के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। ताकि हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ऐड कर सकें, डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या कर सकें, ऐड कर सकें, ठीक है। समझ में क्या बोल रहे हैं। अब देखो जो आई है उसको डिफाइन किस तरह से किया गया, आई जो है वेंट ऑफ फैक्टर उसको डिफाइन किस तरह से किया गया, आई जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक सिंपल वर्ड में यदि हम समझना चाहें तो हम इसको समझना चाहते हैं, ऊपर में हम लोग लिखते हैं नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, और उसका रेशियो हम लेते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के साथ, एबनॉर्मल मोलर मास के साथ, जो हमको बता देता है आई का वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरा सेंस में ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे, चार वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े ना हम लोग, तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी आई को एक और तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसी आई को हम लोग एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, और ये ज़्यादा आसान है समझने के लिए, तीसरा वाला ज़्यादा आसान है और इसी का ज़्यादा यूज करेगा हम लोग आई को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या तो डिसोसिएशन हुआ होगा या फिर एसोसिएशन हुआ होगा, मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के बाद कितना मोल है मेरे पास, डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन होने के बाद कितना मोल था,
डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन होने के पहले कितना मोल था। डिसोसिएशन के जगह हम लोग एसोसिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली में जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली, उसको हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट करके बता दे सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग जो है वो एसोसिएशन डिसोसिएशन का यूज करते हुए हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई का वैल्यू जो होता है वो चेंज हो सकता है डिसोसिएशन के लिए एसोसिएशन के लिए। जैसे डिसोसिएशन यदि हुआ तो डिसोसिएशन मतलब क्या हुआ, टूटा कि नहीं? तो तुम सोचो डिसोसिएशन मतलब टूटा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें देखो, ऊपर में है डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो टूटेगा तो बढ़ जाएगा मोल, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब पहले कम रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि डिसोसिएशन यदि होता है तुम्हारा तो आई जो होगा वेंट ऑफ फैक्टर वो ग्रेटर देन वन होगा, और यदि एसोसिएशन होता है तो वो लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब जुड़ना हुआ और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, लेस देन वन हो जाने वाला है। ये चीज़ समझ में आया, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन वन होगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो फॉर्मूला था वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे यही फार्मूला का यूज करने का। जैसे सबसे पहले हम लोग यदि गौर करते हैं तो हम लोग के पास जो एक फार्मूला था वो था डेल्टा टी बी बराबर के बी एम, यही था ना? एक था डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। अब क्या होने वाला है, सब जगह मोल आ जाने वाला, मतलब आई आ जाने वाला, डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा आई के बी एम, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम, सब जगह क्या आ जाने वाला है, आई का कॉन्सेप्ट। पाई बराबर क्या था, सी आर टी था, तो यहाँ पे पाई बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर और आई सी आर टी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज होगा हम लोगों के पास, कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद यदि हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग क्या लिखे थे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर में क्या लिखे थे, याद है? पहला वाला जो हम लोग के पास था पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, यही था। बराबर क्या लिखा हुआ था हम लोग के पास, यदि तुम यहाँ पे गौर करो तो मोल फ्रैक्शन था ऑफ बी कि नहीं था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे तुम याद करो ए था हम लोग का सॉल्वेंट और बी जो था वो क्या था, सॉल्यूट। तो एक्स बी का वैल्यू लिख रहे हैं हम एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे यदि हम गौर करते हैं तो ये जो आई लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, यदि हम गौर करते हैं तो आई जो लग रहा है वो सॉल्यूट के कारण लग रहा है, आई जो है वो किसके कारण लग रहा है, सॉल्यूट के कारण। तो यहाँ पर भी
जो जो चेंजेस होगा फार्मूला में वो सॉल्यूट के कारण होगा। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बराबर हो जाएगा, पहला आई इंटू मोल ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ए प्लस आई इंटू मोल ऑफ बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यदि हम सॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तब हम लोग का जो नीचे वाला जो सॉल्यूट वाला पार्ट है उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, तो उसको हटा देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो यही देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस फार्मूला का भी यूज कर लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए बराबर आई एन बी डिवाइडेड बाय एन ए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो इसको हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग इग्नोर करके हटा देते हैं। तो तुम्हारा सारा फार्मूला जो पहले ये हुआ करता था सब शिफ्ट हो चुका है इधर, सारा फार्मूला जो हुआ करता था शिफ्ट हो चुका है आई से, किसमें शिफ्ट हो चुका है, आई से। मतलब तुमको हमेशा सोचना है, जैसे कि क्वेश्चंस कहीं भी लिखे तो पहले से मान के चलना है कि आई है। यदि वहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिख दिया कि नॉन डिसोसिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है, तब हम लोग सिंपली समझ लेंगे कि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि टूटता नहीं है, ना ही डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। तो आई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितना ले लेंगे, वन ही ले लेंगे, मतलब ना ही चेंज होगा ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। समझ में आया? जैसे ग्लूकोज ले लिया, मान लो ग्लूकोज मतलब C6H12O6। अब ग्लूकोज जो है वो ना टूटता है ना ही जुड़ता है, ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता है, तो उसका जो आई होगा वो वन ही होने वाला है। आई का रूल कब आता है, जब हम लोग कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स वगैरह ले लेते हैं जो या तो डिसोसिएट हो जाता है या फिर एसोसिएट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अब यहाँ पे देखो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि तुमको जब आई निकालने बोलेगा तो तुम कैसे निकाल सकता है। जब डिसोसिएशन होगा तो और जब एसोसिएशन होगा तो किधर कैसे कैलकुलेट कर सकता है। तो पहले हम लोग समझते हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन मतलब क्या है, टूटना। डिसोसिएशन मतलब क्या है, तो पहले ए एन था मेरे पास जो डिसोसिएट हो गया, मतलब ए का एन मॉलिक्यूल्स था और टूट गया एन ए में, मतलब एन पार्ट में टूट गया, ठीक, इतना पार्ट में यहाँ पे टूट गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम मान लिए हैं कि ई जो है स्टार्टिंग में वन मोल था, तो स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं रहा होगा। टी इक्वस टू जीरो का बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में वन मोल था तो ये कितना रहा होगा, जीरो। अब हम मान रहे हैं कि सब तो डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, कुछ ही डिसोसिएट हुआ होगा, तो मान लिया कि एक्स डिसोसिएट हो गया, ये कितना डिसोसिएट हुआ, ए एन जो था वो एक्स डिसोसिएट हो गया। तो तुम यहाँ पे समझना जो एन ए बनेगा वो एन एक्स बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि एक से एन बनता है तो n से कितना बनेगा, मतलब एक से n बनता है तो x से कितना बनेगा, nx बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो वही चीज हम समझाने जा रहे हैं कि यदि हम इसका x डिसोसिएट मानते हैं तो इसका nx बन जाएगा, तो इसका बचा कितना, स्टार्टिंग में कितना था, ये t बराबर जीरो पे वन मोल था, x डिसोसिएट हो गया तो x खत्म हो गया, तो इसका बचा कितना मोल, वन माइनस एक्स मोल बचा, और इसका बन कितना गया, ई रहा लेफ्ट और ई इतना बन गया,
कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि है तो यहाँ पर समझना, हम बोले x डिसोसिएट हुआ उसका, तो एक डिसोसिएट होता था तो n बनता था, तो x डिसोसिएट हुआ तो nx बन गया, तो 1 माइनस एक्स और nx हो गया। तो i का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या बोले थे, i बराबर क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन ये है, आफ्टर डिसोसिएशन ये वाला पार्ट है, कितना कितना मोल है, 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 प्लस 0, ऊपर में आफ्टर डिसोसिएशन और नीचे में क्या है, बिफोर डिसोसिएशन। तो i बराबर यहाँ से कितना हो गया देख लो, 1 माइनस, देखो x x दोनों में है तो हम x को कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा n और यहाँ से बचेगा 1, तो 1 प्लस x यदि हम कॉमन लेते हैं तो n माइनस 1 बच जाएगा, n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, अब e हो गया i, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में। अब इसका यूज करके हम वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो कहीं कहीं ये जो x लिखा हुआ है उसकी जगह अल्फा लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, अल्फा लिखा हुआ रहता है, तो हम उस अल्फा के सेंस में भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि x की जगह अल्फा होगा तो अंतर सिर्फ कहाँ होगा, जो हम माने हैं उसमें सिर्फ अंतर कहाँ होगा, तुम सोचो i बराबर क्या होने वाला है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा, और कुछ अंतर होगा क्या, समझ में आ गया? अब एसोसिएशंस का पार्ट देखते हैं हम लोग, किसका पार्ट देखते हैं, एसोसिएशन का। एसोसिएशन में क्या होगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो एसोसिएशन में यदि जुटेगा तो हम उसका पार्ट यदि देखना चाहें तो एसोसिएशन में क्या होगा, ध्यान देना, एसोसिएशन मतलब जुटने का बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले ए का एन एटम्स था, उस सब आपस में मिलकर क्या बन गया, एक बन गया, उल्टा हो गया पिछला केस के कंपैरिजन में, पिछला केस का कंपैरिजन क्या हो गया, उल्टा हुआ। अब यहाँ पे समझना, स्टार्टिंग में इसका एक मोल था, पहले इस ई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ही समझना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा जो मॉलिक्यूल्स है वो एक है और यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट के रूप में एक है। इसका टी क्वस टू जीरो पर इसका एक मोल था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। सेम उसी तरह हम मानते हैं कि इसका x मोल डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ साइड में देखना, Na से बन गया An, मतलब इसका यदि x मोल डिसोसिएट होता है तो इसका कितना मोल डिसोसिएट होगा, ये क्वेश्चन है, मतलब इसका कितना मोल हो जाएगा। तो यदि हम इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर n मोल है इसका, ये कन्वर्ट होता है एक में, n कितना में कन्वर्ट हुआ, एक में, तो एक कितना में कन्वर्ट होगा, 1 बाय n में। x कितना में कन्वर्ट होगा, तो x कन्वर्ट होगा 1 बाय n इंटू एक्स में, मतलब x कन्वर्ट हो जाएगा x बाय n में। जिस तरह वहाँ पर nx हो गया था उसी तरह यहाँ पर x बाय n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये बचा कितना, तो x यदि डिसोसिएट हो चुका है तो बचा 1 माइनस एक्स, और ये बना कितना, x बाय n, बना कितना, x बाय n। अब हमको i का वैल्यू निकालना है, तो i बराबर क्या है, तो वही है बिफोर एसोसिएशन, मतलब नीचे लिखेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, आफ्टर एसोसिएशन। तो e वाला जो पार्ट है मेरा वो है आफ्टर एसोसिएशन वाला पार्ट, तो आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एन
और बिफोर कितना है 1 + 0, तो स्टार्टिंग में इसीलिए हम 1 लिए हैं, कहीं कहीं एन लेके बनाता है उसको, ठीक है, कुछ मान लेता है तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे कुछ लिखने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। फिर 1 + 0 1 हो जाता है, तो तुम सोचो यहाँ से हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - x + x/n। सेम उसी तरह जिस तरह पिछला में कॉमन ले लिए थे उसी तरह x को यदि हम कॉमन लेते हैं तो 1/n - 1 बच जाएगा, ये हो गया। तो यही तुमको हम समझाएं कि x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं। तो i बराबर 1 + α (1/n - 1) भी लिखा जा सकता है। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है I के बढ़ने से। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, I यदि बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ता है। I यदि बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तुम्हारे पास साफ साफ यहाँ पे रिलेशन है, डेल्टा टी बी बराबर आई के बी एम। तो यदि आई बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा टी एफ जो है वो क्या होने वाला है। और डेल्टा टी बी का यदि हम बात कर रहे हैं पहले तो टी बी ही लिख लेते हैं, तो डेल्टा टी बी जो होगा वो क्या होने वाला है, डेल्टा टी बी इंक्रीज करेगा। आई बढ़ेगा तो यहाँ देखो रिलेशन में साफ साफ, तो डेल्टा टी बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तुम सोचो डेल्टा टी बी यदि बढ़ा तो डेल्टा टी बी में कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, बाद में इंक्रीज वाला वैल्यू बड़ा होता है, मतलब टी बी माइनस टी नॉट बी होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी होता है। अब सोचो टी नॉट बी तो फिक्स है क्योंकि प्योर फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब टी बी बढ़ रहा होगा, मतलब कुल मिलाकर डायरेक्टली यहाँ से ये ध्यान में रखने वाला बात है कि यदि आई बढ़ता है तो टी बी बढ़ता है, आई यदि बढ़ेगा तो टी बी बढ़ेगा। सेम इसी तरह इसमें देखो, मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं तो आई बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी एफ बराबर जो है वो मेरा आई इंटू के एफ एम तो है, तो आई बढ़ा तो डेल्टा टी एफ बढ़ा, लेकिन डेल्टा टी एफ जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो हम पहले क्या लिखते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब टी नॉट एफ माइनस टी एफ यदि लिखते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये जो टी एफ दिख रहा है वही क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तभी तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि यदि आई बढ़ता है तो टी एफ क्या होता है, घटता है। यहाँ तक समझ में आया फॉर्मूला किस तरह से चेंज हुआ आई के आने से, आई के आने से हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। अब आई का वैल्यू यदि हम बात करते हैं कि जैसे आयनिक कंपाउंड होता है और जो कम्प्लीटली टूटता है उसको हम लोग मान लेते हैं पूरी तरह से, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर KCl जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, किसका एग्जांपल लिए थे, KCl। तो KCl यदि ये कम्प्लीटली टूटता है तो K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, तो इसका आई एग्जैक्टली यदि हम बात करते हैं, यदि कम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी टूट गया इसमें भी टूट गया। पहले जैसे KCl यदि टूटा तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं K प्लस और Cl माइनस, कम्प्लीट डिसोसिएशन का बात कर रहे हैं, तो ये पहले एक मोल मान लेते हैं तो स्टार्टिंग में 0-0 था, अब कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो ये कुछ नहीं बचा, ये बन गया 1 और 1। तो आई का यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बिफोर डिसोसिएशन नीचे लिखेंगे और आफ्टर डिसोसिएशन
ऊपर लिखने वाले हैं, टू बाय वन हो जाएगा मतलब टू हो जाएगा। तो यदि कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, एनी कंपाउंड हुआ, तो जितना आयंस में टूटेगा उतना उसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग देखेंगे अगला क्लास में, ठीक है।